चलिए अब देखते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं कि पाइथन का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग हम कैसे करते हैं। तो स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग कैसे करते हैं। एनी स्ट्रिंग विच वी ऑलरेडी, जो भी स्ट्रिंग हम हमारे पास है जो हमने पहले से डिफाइन कर रखा है उसको ऐसे स्पेसिफाई करेंगे, स्टार्ट एंड स्टेप एंड बस स्टेप। मीन्स अगर कोई स्ट्रिंग है जिसमें 100 डिजिट है, 100 लेट्स से 100 वहां पे वैल्यूज हैं, तो 100 वैल्यूज को हम उसमें अल्टरनेट चाहते हैं, सेकेंड फोर्थ सिक्स एट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट को डिफाइन करेंगे जो हम पार्ट चाहते हैं, एंड तक चाहते हैं, उनके बीच कितना स्टेप साइज होना चाहिए, इस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। अगर स्टेप साइज नहीं चाहते तो सिर्फ स्टार्ट एंड एंड, अगर स्टेप साइज चाहते हैं तो हमको स्टेप साइज भी डिफाइन करना पड़ता है। तो स्लाइसिंग यूज की जाती है पाइथन में, स्पेसिफाई करना पड़ता है आपको स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स दोनों ही। चलिए हम देखते हैं एक एग्जांपल से कि हम स्टार्ट और एंड इंडेक्स को स्पेसिफाई करके स्लाइसिंग कैसे करते हैं। ऐसे करते हैं कि आई लाइक आइसक्रीम एंड आई लव इट, दिस इज अ स्ट्रिंग। इसको हम डबल कोट में रख लेंगे। जब इसको डबल कोट में रख लेंगे तो हम इसके एक पार्ट को ही एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि पूरा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा स्ट्रिंग बनाएंगे, एक दूसरे से सब पार्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेट्स से स्लाइस स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू स्ट्रिंग, दिस वन स्ट्रिंग, और उसका कितना पार्ट। लेट्स से हम 0 से शुरू कर रहे हैं पर 10 तक जा रहे हैं या 15 तक जा रहे हैं। सो हम तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्लाइस स्ट्रिंग, और इसको रन करेंगे, यू कैन सी आई लाइक आइसक्रीम। ओके, अब इसी सेम फैशन में हमने एक दूसरा स्ट्रिंग डिफाइन किया जिसका नाम है बैच। बैच में है डबल कोट में 5 गर्ल्स 3 बॉयज इन ए क्लास। अब हम इसको पूरा एक साथ प्रिंट नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं एक पार्ट एक साथ आ जाए, एक पार्ट दूसरे के साथ में आ जाए। तो जब हम इसको इसका सब स्ट्रिंग बनाएंगे, उसका नाम हमने लिखा गर्ल्स, इक्वल टू बैच, बैच का कितना पार्ट, 0 से लेके 8 तक। तो जब हमें स्टार्टिंग में हमें पता बिल्कुल शुरू से है, तो ऐसा हमेशा स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है। हम इसको इस तरीके से भी लिख देंगे तो भी आप सबको समझ जाना चाहिए कि ये 0 से शुरू हो रहा है। जब हम इसको 0 से शुरू करेंगे और 8 तक देंगे, और इस सब स्ट्रिंग को लेट्स से इट्स नॉट गर्ल्स इट्स गर्ल, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 गर्ल्स। इसका मतलब 8 तक, 8 नंबर तक सिर्फ ये आपके यहाँ तक का पार्ट आ रहा है। अब हम बाद का पार्ट चाहते हैं, लेकिन हम दोनों अलग अलग इसमें चाहते थे। तो अगर हम अब बाद का पार्ट को अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे, 8 से हम शुरू करेंगे। देखिए 8 से हम शुरू करेंगे और बाद तक हम कोई स्पेसिफाई नहीं करेंगे। जब हम कुछ भी स्पेसिफाई ना करें तो आप समझ लीजिए वो एंड तक जा रहा है। जब हम ऐसे करेंगे प्रिंट बैच बाद वाला पार्ट, 8 से बाद वाला पार्ट, तो इसको रन करेंगे जब, तो क्या आएगा, 3 बॉयज इन अ, यहाँ पे अगर हम इसको रन करें तो क्या आएगा, 3 बॉयज इन अ क्लास। सो ये स्लाइसिंग है स्ट्रिंग्स में। स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग किस तरीके से की जाती है, मुझे लगता है कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, पर अभी कुछ वीडियोस के बाद। एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है स्ट्रिंग्स में जो कि मेंबरशिप कहलाती है। मेंबरशिप का क्या मतलब है, कोई स्ट्रिंग है आपका, लेट से ये एक स्ट्रिंग है, जॉन डिड यू अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस मशीन लर्निंग। जॉन, क्या आपने मशीन लर्निंग पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। अब हम इसमें चेक करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर जो वर्ड है वो उस स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं। लेट से हमने कहा लिंकन इन स्ट्रिंग, वी वॉन्ट टू चेक इट, सो दिस इज नोन एज मेंबरशिप, इसका मेंबर है या नहीं। तो हम करेंगे प्रिंट लंकन इन स्ट्रिंग। अगर हमने ऐसा किया और फिर देखेंगे कि इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आउटपुट ट्रू फॉल्स है तो मतलब बुलियन वेरिएबल की तरह वर्क करेगा, इट विल गो फॉर बुलियन वेरिएबल। तो जब ये बुलियन वेरिएबल पे जाएगा हम करेंगे लेट से लिंकन इन स्ट्रिंग, तो ये किस पे जाएगा, फॉल्स। क्यों क्यों जा रहा है फॉल्स पे, क्योंकि इसका पार्ट नहीं है। तो जब भी हमारे पास बहुत बड़ा कोई स्ट्रिंग हो और उसमें कोई छोटा हमें कुछ पार्ट चेक करना है, तो हम मेंबरशिप फंक्शन की तरह से कर सकते हैं। लेट्स से प्रिंट
हम देखना चाहते हैं रीमा स्ट्रिंग में है तो क्या आएगा, ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मशीन को चेक करेंगे, प्रिंट मशीन इन स्ट्रिंग, तो क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली ट्रू आना चाहिए। तो जब हम इसको रन करेंगे क्या आएगा, एक आएगा फॉल्स एक आएगा ट्रू। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम देखना चाहेंगे कि प्रिंट अटेंड इन स्ट्रिंग, अटेंड स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं है, यस है, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। सो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा स्लाइसिंग और मेंबरशिप का क्या यूज है, उसको किस तरीके से यूज करते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेरी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे वीडियो में, आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।